हाय एवरीवन, आज के न्यूट्री टॉक में हम डिस्कस करेंगे ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब्स जो कि आपकी डायबिटीज को नेचुरली कंट्रोल कर सकती है। सबसे पहला नाम आता है गिलॉय का। ये एक पोटेंट एंटी डायबिटिक हर्ब होने के साथ साथ बहुत ही अच्छी एंटी पैरेटिक यानी कि फीवर को कम करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एलर्जी में भी इसका रोल है। बेसिकली ये आपकी बॉडी में इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाती है, तो ये साथ ही साथ में जो आपकी ब्लड में शुगर होता है उसको कम करती है। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इसका 2 इंच का तने का पीस लेना है, इसके स्टेम का पीस लेना है, 1 गिलास पानी में डाल के इसको बहुत अच्छा उबालना है। जब तक कि पानी आधी गिलास ना हो जाए आप इसको उबालते रहें और साथ में उस पानी को हल्का सा ठंडा करके आप खाली पेट ले सकते हैं। फिर हम बात करते हैं गुड़मार की। ये भी एक आयुर्वेदा की हर्ब है जिसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसके लीफ का पाउडर 3 से 5 ग्राम मिल्क में डाल के आपको खाली पेट सुबह लेना है। इसको हम शुगर डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी शुगर की क्रेविंग को कम करता है और ये एक तरीके से आपकी भूख को दबाता है। कुछ लोग इसकी लीव्स को भी च्यू करते हैं तो उससे उनकी शुगर क्रेविंग कम रहती है। फिर हम बात करते हैं तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब की, दैट इज सप्तरांगी। ये भी आयुर्वेदा की एक हर्ब है जो कि आपकी शुगर क्रेविंग को कम करती है। अगर आपको इसको लेना है तो आपको इसकी रूट का 1 ग्राम पाउडर खाली पेट आपको लेना होगा। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सैलिसिलिनॉल, जो कि ग्लाइकोसिडेज इनहिबिटर है, और साथ में इसके अंदर कोटोलिनॉल होता है जो कि आपकी शुगर को कम करता है, और साथ ही साथ में ये सीरम कोलेस्ट्रॉल एंड सीरम ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए भी यूज होती है। अब जो सेकेंड नंबर पर आती है वो है चिरायता नाम की हर्ब जो कि आपकी शुगर को कंट्रोल करती है। इसको आपको कैसे लेना है? आपको 1 स्पून इस हर्ब को 200 ml पानी में ओवरनाइट डाल के रखना है। मॉर्निंग में आप इसको छान के और फिर आपको वो पानी खाली पेट लेना है। इसको कभी भी आप रिकमेंडेड अमाउंट से ज़्यादा ना लीजिए। ये बेसिकली आपके पैनक्रिया सेल्स पे एक्ट करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन सेक्रीट हो पाए। और जो लास्ट हमारी आज की हर्ब है वो है विजयसार हर्ब। ये भी आयुर्वेदा की एक हर्ब है जो कि आपकी शुगर को कंट्रोल करती है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसके टम्बलर्स या इसके जिसको बोलते हैं बर्तन बनाए जाते हैं, यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं, इसमें जस्ट आपको पानी रखना होता है और पानी रखने के बाद आपको ओवरनाइट इनके बर्तन में पानी रहेगा और वो आपको मॉर्निंग में कंज्यूम करना है तो आपकी शुगर कंट्रोल होती है। तो देखिए, ये तो बात हो गई आयुर्वेदा हर्ब्स की। अब हम बात करते हैं ऐसी चीज़ें जो कि हमारी किचन में अवेलेबल होती हैं और वो भी काफ़ी हद तक आपकी शुगर को मेंटेन कर सकती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है स्नैकिंग का। तो स्नैकिंग में जब हम बात करते हैं तो जैसे सीड्स हो गए, मल्टी सीड्स आते हैं आजकल, सनफ्लावर के सीड्स, वाटरमेलन, मस्कमेलन, तो आप इसको एज अ स्नैक इस्तेमाल कर सकते हो। नट्स ले सकते हो, होल फ्रूट्स ले सकते हो, वेजिटेबल सैलड ले सकते हो, मखाना ले सकते हैं, लहिया ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, मट्ठा, स्प्राउट्स, तो इन सब चीज़ों को आप एज अ स्नैकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड प्रोडक्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं हमारे किचन में ऐसा सामान जो कि आपके शुगर के लेवल को कंट्रोल कर सकता है। तो देखिए, पहली चीज़ नीम की लीव्स। आप मॉर्निंग में उठ के खाली पेट 5 से 7 नीम की लीव्स का सेवन कर सकते हो। फ्लैक्सीड यानी कि अलसी के बीज, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी शुगर को कंट्रोल करने में। फेन्यूग्रीक यानी कि मेथी के सीड्स, आपको ओवरनाइट 15 ग्राम मेथी के सीड्स आप पानी में भिगो के रख सकते हैं। मॉर्निंग में आप उनको उसी पानी के साथ कंज्यूम कर सकते हो तो ये भी आपकी शुगर को कंट्रोल करता है। एलोवेरा बहुत ही कॉमनली अवेलेबल होता है, इसका जेल आपको लेना होता है पानी के साथ। करेला, इसका जूस लिया जाता है, और साथ में आपने सुना ही होगा बेसिल यानी कि तुलसी की पत्ती। जामुन, और अगर हम बात करते हैं आंवला की, तो जामुन और आंवले का जूस हमारी शुगर को कंट्रोल करता है। तो ये सब चीज़ें आप अपनी डाइट में रख सकते हैं और देखिए किस तरीके से आपका शुगर कंट्रोल हो सकता है।